हे फ्रेंड्स, तो आज के रिएक्शन में बात करेंगे मनी हाइस्ट की आ रही स्पिन ऑफ सीरीज बर्लिन के बारे में, जिसका ऑफिशियल टीजर या फिर कहूँ कि एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया। खैर, उसका अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। खैर, लेकिन इतनी बात पता है कि अनाउंसमेंट के ट्रेलर में सिर्फ डेट वेट ही बताई जाती है, जो कि एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर नहीं है। तो रिएक्शन देख लेते, उसके बाद रिएक्ट करते हैं कि इस लेजेंड को और कितना ज़्यादा लेजेंड बनाया जा रहा है। बाकी यहाँ सीरीज़ के 8 एपिसोड हो गए, इसकी भी कंफर्मेशन है और नई हाइस्ट पर फोकस करेगा और प्रीक्वल है। बर्लिन का कैरेक्टर स्पॉइलर मर गया है, सेफ और उसकी, बर्लिन का कैरेक्टर अच्छा है बस, लेकिन कैसा है मनी हाइस्ट के यूनिवर्स में ना, उसको रबड़ की तरह निचोड़ दिया, कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया था ऐसा। रबड़ की तरह खींचना निचोड़ना भी अलग होता है, वही आशिक मिजाज है ना, किस पे भी दिलाया जाता है। ओके, खैर तो इसी साल रिलीज होने वाली है, और कुछ बस। खैर, अनाउंसमेंट था बस यही बताने के लिए कि दिसंबर में इसी साल रिलीज होगा, जिसको अभी बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब सीरीज बन रही है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। मनी हाइस्ट के फैन झूम लो, नाच लो, गा लो, क्योंकि स्पिन ऑफ की अब शुरुआत हो चुकी। हो सकता है कि इस सीरीज़ के हिट हो जाने के बाद बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर भी फोकस कर कर कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना दिया जाए, क्योंकि पैसे सबको प्यारे और ऑब्वियसली, और इसको फेम भी मिली हुई है, तो फिर जल्दी, कहते ना हाथ से चीज़ें छूटती नहीं है, तो वही कोशिश की जा रही यहाँ पर। लेकिन हाइस्ट के बाद हाइस्ट दिखाना एक प्रॉपर एंडिंग के बाद जस्टिस नहीं करता है, जो कि बर्लिन के साथ नहीं हुआ था। और अगर हुआ था इस सीरीज़ में, तो फिर वो मनी हाइस्ट में क्या कर रहा था, ये भी एक क्वेश्चन है। बट हम कंटेंट के दीवाने, कंटेंट इन्जॉय करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट ने मुझे उतना भी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि रिएक्शन में तो इतना ही होता है। और क्या, मैं हूँ अजीज़, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।